नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संघनन। इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि संघनन होता क्या है और संघनन के विभिन्न रूप कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संघनन क्या होता है। पिछले वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण के अंदर हमने ये सीखा था कि जब जो जल है वो अपनी तरल अवस्था को त्याग करके वाष्प का रूप या गैसीय अवस्था को धारण कर लेता है तो उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। उसी की विपरीत प्रोसेस यानी यहाँ वाष्पीकरण के अंदर हमने पढ़ा था जल का अपनी जलीय अवस्था या तरल अवस्था को छोड़कर वाष्प में बदल जाना, वो कौन सी अवस्था थी? वाष्पीकरण थी। लेकिन यहाँ कंडेंसेशन या संघनन के अंदर क्या होगा, जल अपनी गैसीय अवस्था को छोड़ देगा और दोबारा से किस में आ जाएगा, तरल अवस्था या ठोस अवस्था के अंदर जब जल आ जाता है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। अर्थात वाष्पीकरण के अंदर जो जल है वो वाष्प में बदलता है, जबकि संघनन के अंदर जो वाष्प के अंदर जल बदला था वो दोबारा से किस में बदल जाता है, तरल अवस्था में आ जाता है, तो उसको संघनन कहा जाता है। अर्थात वाष्पीकरण और संघनन दो विपरीत प्रोसेस है जो क्या है, एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी है। जैसे कि हमने सीखा है कि जब वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है तो वायु क्या है, वाष्पीकरण की प्रोसेस के बाद ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वायु ऊपर जाएगी उसका तापमान कम होता जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा वायु क्या हो जाएगी, आर्द्र होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब वायु बिल्कुल संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त या सेचुरेटेड जिसको हम बोलते हैं, सेचुरेटेड एयर, जब वायु क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब वायु ऊपर जाएगी, ऊपर जाते ही वायु क्या होनी शुरू हो जाएगी, आर्द्र होनी शुरू हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 100% हो जाएगी। जब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी उस वायु को क्या बोला जाता है, संतृप्त वायु बोला जाता है। जब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी और जिस तापमान के ऊपर वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है उस तापमान को क्या कहा जाता है, ड्यू पॉइंट या औसांक कहा जाता है। अर्थात वायु का वह तापमान जिस तापमान पर वायु अपने अंदर जो जलवाष्प विद्यमान है उस जलवाष्प पर वो क्या हो जाए, संतृप्त हो जाए या उसकी जो आर्द्रता है या सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो क्या हो जाए, 100% हो जाए, उसको क्या बोला जाता है, औसांक बोला जाता है या ड्यू पॉइंट बोला जाता है। अब जब वायु क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है या जब वायु का तापमान कितना हो जाता है, औसांक तक पहुंच जाता है, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, उसके बाद ही कंडेंसेशन की प्रोसेस है वो शुरू होती है। अर्थात जो वायु के अंदर जलवाष्प है वो क्या है, दोबारा से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। अब यहाँ भी दो प्रोसेस होगी, एक के अंदर जलवाष्प है वो तरल अवस्था में बदलेगा और दूसरी के अंदर जो जलवाष्प है वो ठोस अवस्था में बदलेगा। यहाँ आपको ये चीज़ आपने सीख ली कि औसांक क्या होता है, जिस तापमान पर वायु क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, वो क्या है, औसांक है। इसी के साथ एक पॉइंट और आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है हिमांक। हिमांक क्या होता है, हिमांक जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। हिमांक क्या होगा, जब वायु के अंदर जो विद्यमान जल वाष्प है उनकी सापेक्षिक आर्द्रता, या तो सापेक्षिक आर्द्रता बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाए, जम जाए, यानी तापमान इतना ज़्यादा कम हो जाए या सापेक्षिक आर्द्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि जो जलवाष्प विद्यमान है वायु के अंदर वो क्या है, तरल अवस्था में आने की बजाय किस में आ जाए, ठोस अवस्था में आ जाए। तो यहाँ वायु है वो क्या है, तरल अवस्था में भी और ठोस अवस्था में भी, या ऐसे बोल सकते हैं जो जलवाष्प है वो यहाँ तरल अवस्था में भी आ सकता है और ठोस अवस्था में आ सकता है, लेकिन आएगा कब, पहला जो मैंने बताया कि जब क्या है, औसांक हिमांक से ऊपर होता है, यानी औसांक क्या होता है, हिमांक से ऊपर होता है। हिमांक होता है 0° सेल्सियस या 32° फारेनहाइट, ये आपका क्या होता है, हिमांक होता है, जहाँ जल जम जाता है।
जब औसांक हिमांक से ऊपर होता है तो संघनन क्या होगा, तरल अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा, तरल अवस्था में, यानी छोटी छोटी बूंदे बनेगी, जिससे क्या बनेंगे, ओस, कोहरा या बादल बनेंगे। जब क्या होगा आपका औसांक हिमांक से क्या होगा, ऊपर होगा। इसके विपरीत जब औसांक क्या होगा, हिमांक से नीचे होगा, औसांक क्या होगा, हिमांक से नीचे होगा, उस अवस्था के अंदर क्या होगा, जो आपका संघनन है वो किस रूप में होगा, हिमकणों के रूप में होगा। हिमकणों के रूप का मतलब क्या है कि यहाँ आपका जो जलवाष्प है वो तरल अवस्था में बदल रहा था, लेकिन यहाँ आपका जो जलवाष्प है वो तरल अवस्था में नहीं बदलेगा, कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। तो उससे क्या बनेगा, या तो तुषार या क्या बनेगा, हिम बनेगी, पतली हिम की परत बन जाएगी, या तुषार या पाला जिसको हम बोलते हैं वो पड़ेगा। तो ये था कंडेंसेशन, संघनन होता क्या है। दूसरा एक पॉइंट पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है तो क्या होगा, जो ऊष्मा है वो खर्च होती है, जिसको हमने नाम दिया था गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जिसको हमने नाम दिया था। लेकिन जब संघनन की प्रोसेस होती है तो यहाँ जो ऊष्मा है वो मुक्त होती है। वाष्पीकरण की प्रोसेस के अंदर ऊष्मा खर्च होती है, लेकिन संघनन की प्रोसेस के अंदर ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, जिसको संघनन की गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। जो ऊष्मा क्या होगी, संघनन की प्रोसेस के अंदर मुक्त होगी, उसको क्या बोला जाता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ हमने पढ़ लिया संघनन होता क्या है, उसके बाद है संघनन के विभिन्न रूप कौन कौन से। संघनन के तीन रूप मैंने आपके सामने लिखे हैं, पहला है ओस, दूसरा है पाला और तीसरा है आपका कोहरा या कुहासा, कोहरा या कुहासा। तो सर्वप्रथम हम सीखते हैं कि ओस क्या होती है, ओस कब पड़ेगी। जैसे कि शीत ऋतु का टाइम होता है, जब सर्दियों का टाइम होता है, सर्दियों के टाइम के अंदर क्या होता है, यहाँ आपका जो सौर विकिरण है वो सौर विकिरण दिन के समय आता है, लेकिन रात के समय जो हमारी धरती है वो क्या करती है, पार्थिव विकिरण का त्याग कर देती है, यानी अपना जो विकिरण है उसको वापस छोड़ देती है, जिसको क्या बोला जाता है, पार्थिव विकिरण बोला जाता है। ये बात हम पहले सीख चुके हैं कि जब शीत ऋतु आएगी तो दिन के समय धरती क्या करेगी, सौर विकिरण को ग्रहण करेगी, लेकिन रात के समय क्या करेगी, पार्थिव विकिरण का त्याग करेगी। लेकिन दूसरी चीज़ और भी आपको याद रखनी है कि शीत ऋतु के अंदर सौर विकिरण की मात्रा कम होगी और पार्थिव विकिरण की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो वायु है, जो धरातल के समीप की वायु है, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि धरती क्या करती है, पार्थिव विकिरण है वो ज़्यादा त्याग कर रही है, इसका मतलब धरती क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, या हमारा धरातल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जब धरातल ठंडा हो जाता है तो धरातल के साथ लगती वायु वो भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जब वायु ठंडी हो जाती है, जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ही वायु फिर क्या होगी, एक तापमान ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब वायु क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, या ऐसे बोल सकते हैं जब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। जब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी तो जो वायु के अंदर जो विद्यमान जल वाष्प है वह क्या है, बूंदों के रूप में, किसके रूप में, बूंदों के रूप में क्या होगा, पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर बैठ जाएंगे आकर। यानी कहने का अभिप्राय क्या है, दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे ही शीत ऋतु होगी, शीत ऋतु के अंदर रात का समय होगा, रात के समय के अंदर क्या होगा, जो हमारी पृथ्वी है वो अपने पार्थिव विकिरण का त्याग कर देती है। पार्थिव विकिरण का त्याग करने के फलस्वरूप क्या होगा, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो ऊपरी धरातल है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और उस धरातल के संपर्क में आने वाली वायु में क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे ही वायु ठंडी होगी बाद में क्या होगा, वो वायु संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त होने का मतलब वायु की जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। जैसे ही वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी तो वायु के अंदर जो विद्यमान जल वाष्प है वो किस में बदल जाएंगे, छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाएंगे। और वो जल वाष्प क्या है, किसी वनस्पति के ऊपर, वनस्पति का मतलब कोई घास हो सकती है या जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां, उनके ऊपर बूंदों के रूप में जम जाते हैं, बूंदों के रूप में बैठ जाते हैं, उन्हें बूंदों को क्या बोला जाता है, ओस बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ जो वायु है, या ऐसे बोल सकते हैं यहाँ जो आपका औसांक है वो हिमांक से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तभी क्या पड़ेगी, ओस पड़ेगी। अगर आपका औसांक हिमांक से नीचे है तब ओस नहीं पड़ेगी, तब क्या पड़ेगा, पाला पड़ेगा।
अब ये चीज़ हम कर लेते हैं कि पाला कैसे पड़ता है। जैसे जैसे यहाँ आपको मैंने बताया कि यहाँ वायु क्या हो गई, संतृप्त हो गई। संतृप्त होने का मतलब वायु की आर्द्रता क्या हो गई, 100% हो गई। लेकिन जैसे ही आपका जो औसांक है वो हिमांक से नीचे चला जाएगा, किसे नीचे चला जाएगा, हिमांक से नीचे चला जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपके पेड़ पौधे हैं, जहाँ मैंने बताया था कि वनस्पति के ऊपर क्या है, जो ओस की बूंदें हैं या जलवाष्प है, वो बूंदों के रूप में आकर बैठ जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाता है तो वो बूंदे क्या है, वो बूंदे नहीं रहेगी, वो क्या है, छोटे छोटे हिमकणों के रूप में बदल जाएगी। किसके रूप में बदल जाएगी, हिमकणों में। या ऐसे बोल सकते हैं कि वो बूंदे क्या हो जाएगी, जम जाएगी। और जब वो बूंदे जम जाती हैं या जमी हुई जो ओस है उसी को क्या बोला जाता है, पाला बोला जाता है। अर्थात यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि ओस के अंदर जो जलवाष्प है वो बूंदों के रूप में आएगा, लेकिन जब वो बूंदे, ओस की बूंदे जम जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, पाला या तुषार बोला जाता है। उसके बाद तीसरा है आपका कोहरा। कोहरा और इसी के साथ एक प्रोसेस और भी कई बार पेपर के अंदर पूछ लेता है, कुहासा। कोहरा या कुहासा, फॉग और मिस्ट जिसको बोलते हैं। अब कोहरा क्या होगा, ये वाली जो दोनों, ओस, पाला और कोहरा, अगर मैं ये कहूँ तीनों, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये धरातल के समीप ही होती है। और कोहरा क्या होता है, एक प्रकार का बादल होता है। कोहरा क्या होता है, एक प्रकार का बादल। आपने देखा होगा बादल आसमान के अंदर ऊपर बनता है, लेकिन जब बादल का निर्माण कहाँ हो जाए, धरातल के बिल्कुल पास हो जाए, जिससे क्या है, जो हमारी दृश्यता है या पारदर्शिता जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब बादल धरातल के समीप ही बने तो उसको क्या बोला जाता है, कोहरा या कुहासा बोला जाता है। अर्थात यहाँ मैंने बताया था कि क्या हो रहा है, जो वायु के अंदर विद्यमान जल वाष्प है वो क्या है, बूंदों के रूप में आ रहे हैं, तो उनको क्या बोला था, ओस बोला था। और जब वो बूंदे जम गई तो उनको क्या बोला था हमने, पाला बोला था। लेकिन ये दोनों चीजें क्या हो रही थी, या तो किसी वनस्पति के ऊपर या धरातल के ऊपर गिर रही थी। लेकिन जब वो हिमकण जो यहाँ हमने बताया था, जब पाला पड़ रहा है तो वो क्या हो रही थी, जो जलवाष्प है वो हिमकणों के रूप में बदल रहा है। लेकिन जब वो हिमकण वायु के अंदर लटके ही रह जाएं, धरातल के ऊपर आकर न बैठे, यानी यहाँ पाला के अंदर हमने क्या बताया था कि वो हिमकण क्या हो रहे थे, वनस्पति के ऊपर आकर बैठ रहे थे या धरातल पर आ रहे थे। लेकिन कोहरे के अंदर क्या होगा, वो ही हिमकण क्या होंगे, आपकी वायु के अंदर लटके रह जाएंगे, लटके रह जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो वातावरण है, आपका जो वायुमंडल है, वो धुंधला सा दिखाई देने लगेगा। उसी चीज़ को, उसी बादल को जो हिमकणों के कारण बनता है, उसको क्या बोला जाता है, कोहरा या कुहासा बोला जाता है। लेकिन याद ये रखना है कि ये वाला जो बादल है जिसको हम कोहरा या कुहासा बोल रहे हैं, ये क्या होगा, धरातल के समीप बनेगा। जो ऊपर बादल बनता है वो बादल नहीं, जो धरातल के समीप जो बादल बनता है उसको क्या बोला जाता है, कोहरा या कुहासा बोला जाता है। अब ये कंसेप्ट भी है कि कोहरा और कुहासा में अंतर क्या है, इसके बीच का जो मेन अंतर है वो क्या है, दृश्यता का है, या विजिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। मेन अंतर किसका है, दृश्यता का है। जब क्या है, दृश्यता बहुत कम है, बहुत कम का मतलब लगभग ये मान लो 1 किलोमीटर से कम है, तो उसको क्या बोला जाता है, कोहरा बोला जाता है। और जब दृश्यता क्या है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उसको क्या बोला जाता है, कुहासा बोला जाता है। यानी कोहरे के अंदर क्या है, दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है, कई बार क्या है 200 मीटर से भी कम होती है, हम थोड़ा सा आगे नहीं देख पाते, उसको क्या बोला जाता है, सघन कोहरा बोला जाता है। तो जब दृश्यता बिल्कुल कम है तो उसको क्या बोला जाएगा, कोहरा बोला जाएगा। और जब दृश्यता थोड़ी सी ज्यादा है, 1 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, कुहासा बोला जाएगा। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट और है जिसको स्मोग बोला जाता है, स्मोग। अब स्मोग क्या होता है, यहां फोग, फोग जो हमने अभी पढ़ा, कोहरा, और कोहरा इसी फोग के अंदर क्या मिल जाए, स्मोग मिल जाए, तो उससे क्या बनेगा, स्मोक बनेगा, जिसके अंदर क्या है, आपका फोग भी है और स्मोक भी है। जैसे ही कोई औद्योगिक क्षेत्र होगा, औद्योगिक, जैसे आप गुड़गांव वाला क्षेत्र है, एनसीआर का जो क्षेत्र है, वहाँ उद्योग बहुत ज़्यादा है, उस क्षेत्र के अंदर क्या है, जो फोग है उसके अंदर चिमनियों का धुआं आकर मिल जाता है। और जब फोग और स्मोक दोनों मिल जाएंगे तो उससे क्या बनता है, स्मोक बनता है। फोग प्लस स्मोक दोनों से क्या बनता है, स्मोक बनता है। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये सीखा कि संघनन होता क्या है और संघनन के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। धन्यवाद।